حلو حلو हाय हेलो नमस्कार प्रणाम सलाम्कुम सत्याक जो जोहार राम राम राधे राधे कैसे हैं भाई लोग अच्छे होंगे उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे तंदुरुस्त होंगे मस्त होंगे जबरदस्त होंगे और अपने अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से व्यस्त होंगे तो चलो मेरे बाबू मेरे सोना मेरी जान जिगर का टुकड़ा आ जाओ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बारी बारी से सारे प्रश्नों को देखेंगे तो आप सभी भाइयों का स्वागत है मिशन सिलेक्शन रिजनिंग ताबर तोड़ इस बार आर या पार में आप सभी लोगों का स्वागत है तो चलिए हम लोग फटाफट 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 क्वेश्चन नंबर वन क्यों रहता है आयुष मार्कर भाई नहीं है यहाँ पर मार्कर थोड़ा देखिए ना किधर है है मिल गया चलिए भाई तो स्टार्ट करें बोलिए सर जल्दी जल्दी वन टाइप कर दीजिए सर वन टाइप कर दीजिए जल्दी जल्दी मैं सेशन को स्टार्ट कर देता हूँ बेस्ट लुक वाह क्या बात है थैंक्स 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 चलिए तो बाबू मेरे जल्दी से बोलिए वन टाइप कर दो मैं सेशन को स्टार्ट कर दू वन One, ready, one, ready, चलो तो बाबू मेरे क्वेश्चन नंबर वन स्क्रीन पर आपके सामने दिए गए प्रश्नों के आंसर को बताना है जल्दी से बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बाबू सोनालो क्वेश्चन नंबर वन में कह रखा है कि दिए गए पासा में फलक तीन के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा फलक तीन के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा तो देख भाई इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आता है ना तो हम सबसे तगड़ा जुगाड़ सिखाते हैं फिर सिखा रहे हैं समझिएगा देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये प्रश्न चक्रण विधि से नहीं बनेगा ये प्रश्न चक्रण विधि से भी बन सकता है जैसे बहुत सारे गुरुजन सिखाते हैं मैं भी सिखाता हूं ऐसा नहीं कि मैं नहीं सिखाता हूं ये चक्रण विधि से प्रश्न बनाने के लिए मैं सिखाता हूं बहुत सारे गुरुजन सिखाते हैं बहुत सारे मेरे भाई बंधु जानते हैं लेकिन बंधु इसमें ये गोल बनाने में समय लगता है ये करने में भी कुछ समय लगेगा सब मिला जुला के आपको चालीस से पैंतालीस सेकेंड का समय लग जाएगा लेकिन आप अगर थोड़ा सा स्मार्ट तरीका अपनाएंगे तो फिर आपको चार से पांच सेकेंड लगेगा ऐसे प्रश्नों का उत्तर बताने के लिए कहिएगा सर कैसे बताना है वही वाला रूल सिखा दो तो सुन भैया इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आए और किसी भी नंबर का विपरीत पूछे मेरी जान तो सबसे पहले आप देखिएगा कि वो नंबर किस डाइस में है यहाँ पे है और उसके बगल में देखिएगा दो ठो अंक कौन कौन सा है तो दो ठो अंक छे दू है देखिए तो किसी डाइस में छे दू है यस बगले वाला में तो बाबू हमारे छे से छे कॉमन और दो से दो कॉमन छे से छे कॉमन दो से दो कॉमन तो ये छे से छे कट गया दो से दो कट गया दोनों में एक एक बच गया तो चार का विपरीत तीन हो गया और तीन का विपरीत चार हो गया आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी तो नोट करके लिख लो मन करता है तो अपने कॉपी में अपने पेज में नोट करके लिख लो क्या लिखना है जब डाइस की दो स्थितियां दी गई हो जब डाइस की डाइस की दो स्थितियां दी गई हो दो स्थितियां दी गई हो दो स्थितियां दी गई हो दी गई हो और दोनों में और दोनों में दो स्थितियां दी गई हो और दोनों में दोनों में दो दो अंक दो दो अंक कॉमन हो कॉमन हो कॉमन हो कॉमन हो तो 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 क्या बाकी बचा एक अंक बाकी बचा एक अंक बाकी बचा एक अंक एक दूसरे का एक दूसरे का एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा क्या हो जाएगा भैया तो विपरीत हो जाएगा विपरीत हो जाएगा ये बात लिख लो और सारे प्रश्नों को बना दीजिएगा ठीक है समझ रहे ना बात को क्लियर हो गया? और सुनो ध्यान से। अगर आप सोच रहे होंगे कि सर कॉमन नंबर का ही विपरीत पूछेगा तो क्या बताएंगे अगर आप यह सोच रहे होंगे कि सर छे से छह कॉमन हो गया दो से दो कॉमन हो गया तीन का पूछा आपने चार बता दिया अगर सर चार का पूछा तो आपने तीन बता दिया और छे का पूछता तो क्या करते दो का पूछता तो क्या करते तो बाबू हमारे तो नहीं दिख रहा है इस डाइस में क्या नहीं दिख रहा है अगर आपसे पूछेगा छे का विपरीत बताइए तो छे छे का विपरीत बताइए तो दोनों डाइस में क्या नहीं दिख रहा है एक नहीं दिख रहा है और पांच नहीं दिख रहा है अगर पूछ देगा दो का क्या होगा तो वही एक या हो जाएगा तीन का पूछेगा तो चार का है ना शर्ट तो हमको पहनने का मन कर रहा था सोचा कि बहुत दिन प्लेन प्लेन हो गया थोड़ा एक लाइनिंग वाला टी शर्ट पहने तो आज ये खरीद पहन लेते हैं और गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ रही है चला इसलिए थोड़ा सा शर्ट ले लिया कि कंफर्टेबल रहेगा आप लोग कहेंगे तो कल से नहीं पहनेंगे बोलिए अच्छा लग रहा है तो सर कल से पहनेंगे और नहीं तो कहिएगा तो नहीं पहनेंगे अगर अच्छा नहीं लग रहा होगा सर तो नहीं पहनेंगे चलिए सर आगे बढ़े क्लियर हो गया चलिए चलिए तो आगे बढ़ते हैं सर अगले प्रश्न की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा दो अब सर दो नंबर में जरा गौर फरमाइएगा दो नंबर में सर कहा एकदम नया टाइप का सर प्रश्न लेकर के आए हैं आपकी सेवा में दो नंबर क्वेश्चन में सर क्या कह रहा है दो नंबर क्वेश्चन में सर कह रखा है गौर फरमाइएगा कि छत्तीस सेकेंड में घंटा सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है छत्तीस सेकेंड में घंटा की सुई लिखिएगा छत्तीस सेकेंड में घंटा की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है इस इस प्रश्न का सर आप आंसर बता दे, बता दीजिए मैं जान जाऊंगा सर कि आप बहुत जबरदस्त कॉमन सेंस लगाते हैं क्योंकि प्रश्न बड़ा शानदार है और छोटा सा सर इसमें लगाना है सर सर छोटा सा टेक्निक लगाना है और इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा चलिए जल्दी से सर आप बता दीजिए मैं मान जाऊंगा सर कि आप जुगाड़ा लगाने में माहिर है और हकीकत में आप दीपक सर का चेला है यह बात मैं मान जाऊंगा अगर आप इस प्रश्न को बना दीजिएगा तो जल्दी से सारे बंधु का आंसर आना चाहिए जल्दी बोल भाई जल्दी बोलो तीन बट्टा दस वाह मारा कि गर्दा छुडा दिया तीन बट्टा दस जी और मेरे शेर क्या बात है वाह 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 वा! हमने जो चाहा आपने वही किया हमने जो सोचा आपने वही किया हमने सोचा आप बना देंगे और आपने बना दिया वाह क्या बात है सर सर इसमें कुछ भी नहीं है गौर फरमाइएगा क्या करना है कहा कि 36 सेकंड में घंटा की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी भाई एक बात आप जानते हैं एक बात आपको पता है क्या कि घंटा की सुई एक बात आपको पता है घंटा की सुई प्रत्येक मिनट घंटा की सुई प्रत्येक मिनट प्रत्येक मिनट एक बट्टा दो डिग्री का कोण बनाती है कोण बनाती है ये बात हमारे बाबू सोना सबको पता है तो है ना हो राजा तो देखिए प्रत्येक मिनट ना एक बट्टा दो डिग्री का कोण बनाती है ये तो छत्तीस सेकेंड दिया है तो पहले आप छत्तीस सेकेंड को मिनट में ट्रांसफर करिए बट्टा साठ करके आ इसमें एक बट्टा दो डिग्री का गुणा कर दीजिए कितना डिग्री का कोण बनाएगी आ जाएगा तो दो से काटिए अठारह छ से काटिए छत्तीस अठारह छह में साठ तो तीन बाई दस डिग्री का कोण बना देगी आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी बोलो था कि नहीं शानदार क्वेश्चन एगो एगो भाई साहब बार बार कमेंट कर रहे हैं सुरेंदर चंद्रवानी जी चंद्रवंशी जी सर प्लीज क्वेश्चन का संख्या बढ़ा दीजिए प्लीज तीस क्वेश्चन सर सर देखिए मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूँ आप चाहते हैं कि तीस क्वेश्चन का डिस्कशन होगा तो आपके ग्रुप डी के सेट के जैसा हो जाएगा सर मैं तीस क्वेश्चन कराऊंगा भी ना तो मुझे लगता है दस क्वेश्चन सर लाना पड़ेगा वैसा वैसा जो कि सर आप लोगों से बने आप लोगों से बने और आपका नंबर नहीं तो सर आप टूट जाइएगा तो सर मैं 20 क्वेश्चन इसलिए लाता हूं कि चलो 20 क्वेश्चन ही लाऊंगा और शानदार तरीके से डिस्कशन करा दूंगा और बीसों का बीसों क्वेश्चन बेहतर लाऊंगा सर और इसीलिए सर आप लोग लाइव आके पढ़ते हैं सर बहुत सारे लोग कहते हैं सर फोन करते हैं कहते हैं यहां भी आते हैं तो कहते हैं कि सर मैं तो आपका कंटेंट का दीवाना हूं सर आपका आपका क्वेश्चन में सर जान रहता है सर डेली मैं क्लास करता हूं तो लगता है कुछ ना कुछ सीखता हूँ इसलिए सर मैं बी सी रखता हूँ सर तीस क्वेश्चन कराने में बहुत ज्यादा समय भी लगेगा और मुझसे सर फाकी मार मार के डिस्कशन नहीं हो पाएगा इसीलिए सर मैं तीस क्वेश्चन नहीं ला रहा हूं बीस क्वेश्चन ला रहा हूं लेकिन फिर भी सर मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग के लिए कुछ बेहतर कर सकूं तो चलिए सर आगे बढ़ते हैं फिलहाल अभी आगे का क्वेश्चन देखते हैं ठीक है देखिए सर यहाँ तीन नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है यदि को में किया जाता है तो ए एल एस ए का कुट क्या होगा देखिए सर यहाँ पे लेटर का संख्या कितना है पांच और यहाँ पे सर लेटर का संख्या कितना है सर दस संख्या है इसका मतलब यह हुआ कि एक संख्या के लिए दो संख्या का इस्तेमाल किया गया है तो टी के पहले सर एस आता है और टी के बाद यू तो एस टी यू यही ना सर उसके बाद सर देखिए यहाँ पे क्यू और एस आया हुआ है तो क्यू आर एस होता है उसके बाद सर यहाँ पे टी यू भी टी भी आया हुआ है ना तो t u भी यहाँ पे s और u आया है तो s t u और यहाँ पे g आया है तो सर g h i माने एक लेटर सर पहले का दिया है एक लेटर बाद का दिया है तो सर e f g यहाँ पे इजी इजी सब में दिया है ये कट गया सर z a b z b दिया हुआ है ये कट गया यहाँ पे होने का चांस है k l m k m यहाँ पे है सर यहाँ पर भी है r s t यहाँ पे नहीं है सर यहाँ d है ये भी कट गया तो यहां पे a d e ए, एक पहले वाला एक बाद वाला तो सर आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया अमर बाबू सोना लोग ऑप्शन नंबर सी बोलिए क्लियर है कि डाउट है बताइए सर उम्मीद तो करता हूं सभी लोगों का क्लियर होगा तो अभी हंड्रेड परसेंट चलिए ऑप्शन भी सी आ रहा है तो सर आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सर चार पे चार का जरा आंसर बताने का सर कोशिश करिएगा कहा कि पांच व्यक्ति हैं जिनका नाम है ए बी सी डी ए बी सी डी व ई आपके सामने मुंह करके एक पंक्ति में इस प्रकार बैठे हैं कि डी सी के बाई और देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया आपके सामने जैसे बाबू सोना लोग आपके सामने देखे आप लोग टेंशन में पड़ जाते हैं कोई टेंशन में नहीं पड़ना है जिस दिशा दिशा में में मन करिए आपके सामने का मतलब होता है कि कोई भी दिशा में आप बैठा लीजिए जहां आप बैठा लीजिएगा उसका अपोजिट में समझ लीजिएगा आपका फेस है तो पांच विद्यार्थी है पांचों विद्यार्थी को बाबू हम उत्तर दिशा में मुंह करके बैठा रहे गौर फरमाइएगा एक दो यहां तीन यहां चार और यहाँ पे पांच ये लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया अब सुनिए कहा कि डी जो है सी के बाई और है अब डी को बैठाना है सी के बाई और डी को यहाँ करेंगे सी को यहां तब डी जो है सी के बाई और हो जाएगा कहा कि डी सी के बाई और है और E के दाई और है कहा कि बी जो है ना E के दाई और है गौर से सुनिएगा कहा कि डी सी के बाई और है और बीई के दाई और है दोनों अलग अलग है कहा होंगे नहीं पता है आगे कहा ए के दाई ओर है एसी के दाई ओर है हम यहाँ यहां ईबी e, को साइड में लिखते हैं इधर ई e यहाँ पर लिखते हैं और बी यहाँ पर आओ ना सर e को यहां और बी को यहां क्वेश्चन में कहा कि डीसी के बाई ओर है लिख दिए और बीई e के दाई ओर है वो भी लिख दिए एसी के दाई ओर है कहा कि एसी के दाई ओर है तो सी के दाई ओर ए है एसी के दाई ओर है और बी और बी डी के बाई ओर है कहा कि बी ये बी जो है इस डी के बाई ओर है तो बी आएगा तो ई e भी आ जाएगा आगे कहा यदि ई पंक्ति के एक छोर पर बैठा है तो सर बैठाइए ई e को यहाँ बी को यहाँ डी को यहाँ सी को इस जगह ए को यहाँ तो कहा तो पंक्ति के बीच में कौन बैठा है तो सर पंक्ति के बीच में कौन है तो पंक्ति के बीच में सर डी बैठा है आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तर ओके क्लियर है हां आगे बढ़े बाबू हमारे सोना समझ गए ना जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए हम साइड हो जाते हैं इसको सर यहां से हटा देते हैं जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए आगे बढ़ते हैं बढ़े आगे चलिए नेक्स्ट वाह इसको देखिएगा सर कहा कथन को ध्यान से देखिएगा कहा कि यदि आप सुंदर हैं तो हम आपकी सुंदरता को पकड़ लेंगे वाह कहा कि यदि आप सुंदर हैं तो हम आपकी सुंदरता को पकड़ लेंगे यदि आप नहीं हैं तो हम आपको सुंदर बनाएंगे फोटो स्टूडियो का एक विज्ञापन अब तो चला फोटो स्टूडियो का जमाना ही लद गया नहीं तो हम लोग के जमाने में जब हम लोग छोटा थे बचपन में अभी तो हम लोग जवान हो गए हैं तो बचपन में आप लोग भी होंगे तो देखे होंगे कि स्टूडियो होता था हर शहर में स्टूडियो होता था लोग वहाँ प्यार से जाके फोटो खिंचवाते थे मोबाइल का क्रेज उस टाइम कम हुआ करता था अब तो अब तो लोग एक से एक मोबाइल रखे हैं और मोबाइल में एक से एक कैमरा है एक से एक ऐप है कि कितनों तो गधा आदमी का बढ़िया फोटो आ जाता है लेकिन खैर उस टाइम का ये बात है जब मोबाइल नहीं हुआ करता था इसमें फोटो स्टूडियो इस का एगो विज्ञापन आया फोटो स्टूडियो यानी स्टूडियो फोटो खींचने वाला जो स्टूडियो था उसका एक विज्ञापन आया कि यदि आप सुंदर हैं तो हम आपकी सुंदरता को कैच कर लेंगे यानी पकड़ लेंगे अगर आप सुंदर हैं तो आपका फोटो सुंदर ही बनाएंगे और यदि आप सुंदर नहीं हैं तो हम आपको सुंदर बनाएंगे मतलब हर हाल में आपको सुंदर बनना ही है अगर आप सुंदर हैं तो हम पकड़ के रख लेंगे जैसे है वैसे ही बता देंगे सही दिखा देंगे और आप नहीं है तो आपको हम सुंदर बना भी देंगे ये विज्ञापन है स्टूडियो का अब धारणा नंबर एक में कहा कि कैसे सुंदर दिखना कैसे सुंदर दिखना सभी लोगों की यही चाहत है कैसे सुंदर दिखना है छूट गया है कैसे सुंदर दिखना है सभी लोगों को यही चाहत है। अच्छा कैसे सुंदर दिखना है सभी लोगों की यह चाहत, चाहत नहीं होती तो फिर स्टूडियो वाला यह ऐड देता नहीं देता तो पहला यहां पे सही हो जाएगा कैसे सुंदर दिखना है यह सभी लोगों की चाहत है कैसे सुंदर दिखना है यही सभी लोगों की चाहत है इसीलिए आ, कह रहा है कि हम आपको सुंदर बना देंगे दूसरा में कहा कि सभी सुंदर होने की इच्छा रखते हैं हाँ सभी लोग सुंदर होने की इच्छा रखते हैं तभी ये विज्ञापन दिया तो ये भी सही है तो सर दोनों का दोनों सही है आंसर हो जाएगा एक और दो, दोनों अंतर्निहित है ऑप्शन नंबर ए क्या भाई हम जानते थे ये जितने भाई लोग ऑप्शन डी मार रहे हैं ना सब रट्टा मारे हुए हैं किताब का आंसर लेकिन आपको शायद ये नहीं पता चला कि हमने क्वेश्चन बदल दिया है किताब में कुछ और दिया है पढ़ लीजिएगा यहां पे हमने क्वेश्चन बदल दिया है यार आप कब समझिएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर मारना है अभी भी आपकी बचपना नहीं गई अभी भी बचपना छोड़ सकते हैं कहा जाता है कि जब जागो तभी सवेरा होता है आप रट्टा मारे हुए हैं यार किताब का आंसर डी न तो एक न ही दो अंतर्निहित करता है न तो एक न ही दो अंतर्निहित करने के लिए यहाँ पे पूर्वधारणा कुछ और था और हमने पूर्वधारणा को चेंज कर दिया और आपने किताब का रट्टा मारा हुआ यहाँ पे डिस्कशन करा बता दिया आंसर डी डी नहीं होगा ई होगा क्योंकि हमने क्वेश्चन को चेंज किया है सर, यही मेरी कला है सर हम सर सर हम हम इसीलिए इसीलिए रोज आते हैं नौ बजे रात में ताकि आपको अच्छा अच्छा क्वेश्चन करा पाए इसीलिए सर आप लोग कहते भी हैं कि सर आपके कंटेंट में जान होता है सर हम क्वेश्चन पे काम करते हैं हम फ्री का नहीं आपका टाइम बर्बाद करते हैं समझ गए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए तब आंसर मारिए एकदम ऐसे ही नहीं मार दीजिए अनाधुन आंसर देख 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 करके ठीक है चलिए आगे बढ़े बाबू सोना आगे बढ़े दिव्यजीत राज बार बार कह रहे हैं सर शर्ट तो चुनमुनिया है सर टी शर्ट तो चुनमुनिया है सर अच्छा तो चुनमुनिया हो गया ये क्या होता है चलो भैया छह नंबर को देखो बाबू रे ए सोना धन हीरा जिगर का टुकड़ा देख कहा कि ए बी सी डी और एफ परिवार के छह सदस्य एक साथ यात्रा कर रहे हैं बी सी का पुत्र है लेकिन सी बी की माँ नहीं है सुन बी सी का पुत्र है कहा कि बी जोन है ना इस सी का पुत्र है माने बेटा है तो बी सी का पुत्र होगा तो पुरुष होगा आगे कहा लेकिन सी बी की माँ नहीं है तो अब सी बी की माँ नहीं होगी तो पप्पे ना होगा कहे कि बेटा बेटी माइय बाप का ना होता है मौसा का तो बेटा होगा नहीं मौसी का बेटियों नहीं होगी कोई कहेगा कि मौसा है नहीं ना कहेगा कि बी सी का पुत्र है तो बी हो गया सी का पुत्र लेकिन सी बी की मां नहीं है तो मां नहीं है तो पिता होगा अब आगे कहा ए और सी विवाहित जोड़ा है ए और सी विवाहित जोड़ा है तो ए और सी विवाहित जोड़ा होंगे तो सी पुरुष है तो ए उसकी पत्नी हो जाएगी ना तो पुरुष है सी तो पुरुष से ब्याह नहीं ना कर लेगा इसका ही बेटा है इसका ही प्पा है तो पापा पप्पे से ब्याह नहीं ना कर लेगा पापा मम्मी से ब्याह करेगा तो वो हो गई स्त्री ए सी विवाहित जोड़ा है आगे कहा इी e, का भाई है ई e, सी का भाई है तो यहाँ पे ई e को रख दीजिए ई सी का कौन हो जाएगा भाई लग जाएगा भाई लग जाएगा तो पुरुष हो जाएगा प्लस लिख देंगे आगे कहा डी ए की बेटी है डी ए की बेटी है तो एगो यहाँ पे डी को रख दीजिए ए की ये पुत्री हो जाएगी तो बताइए डी ए की पुत्री होगी आ इसका भी पुत्र है तो इसकी बहन हो जाएगी तो यहाँ पे इसकी बहन इसकी बेटी माइनस लिख दीजिए आगे कहा एफ बी का भाई है एफ बी का भाई है ले वो और है ये एफ जो है इस बी का कौन है भाई है तो भाई है तो प्लस लिख दीजिए अब कहा कि परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं तो पुरुष सदस्य कै गो है तो एक दो तीन चार चार एक दो तीन चार चार पुरुष और दो महिला तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बोल बाबू बोलो क्लियर है चलो आगे बढ़े मन लगा के पढ़ो चला एकदम खामोश होकर के पढ़ो खामोश कहा जाता है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता एक दिन शोर मचाए एकदम खामोश होकर पढ़ो बंद कर लो उस घर के सारे खिड़की और दरवाजे जिससे अगल बगल के लोग देख कर देख देख दिख 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 दिखते और आपको डिस्टर्ब करते हो वो सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लो मन लगा के पढ़ो क्योंकि अब दो महीना बच गया है ग्रुप डी में और बाबू एन टी पी सी टू का तो अगले मंथ में डेट भी दे दिया है सीबीटी फोर और सीबीटी लेवल फोर और लेवल सिक्स का लेवल फोर और लेवल सिक्स का एन टी पी सी सी बी टी टू एग्जाम का नेक्स्ट मंथ में डेट दे दिया है नौ तारीख और दस तारीख को नौ मई और दस मई को दे दिया है अभी भी आपके पास बीस बाईस दिन बचा है इस बीस बाईस दिन में जितना मेहनत करना चाहते हैं उतना मेहनत कर दीजिए क्योंकि बाबू मेरे सोना मेरी मेरी मम्मी कहा करती है कि कुछ दिन के दुखों के बाद अगर वो दुख सुख में बदलने वाला है तो फिर वो दुख कर लेना चाहिए क्योंकि उस दुख के बाद सुख ही आने वाला है तो फिर वो दुख को जरूर करना चाहिए उस दुख को जरूर झेलना चाहिए और कहिएगा जिस दिन सिलेक्शन होगा उस दिन कि समुद्र की खामोशियों को देखकर यह मत समझना कि उसकी लहरों में रवानी नहीं है समुद्र की खामोशियों को देखकर यह मत समझना कि उसकी लहरों में रवानी नहीं है अरे जिस दिन उठेंगे, बन के उठेंगे बस उठने की अभी ठानी नहीं है एकदम खामोशी के साथ बाबू मेरे जोर लगा दो जान लगा दो इस बार बेड़ा पार कर लो चलिए सर आगे बढ़े हाँ सर जी हिंदुस्तान न्यूज पेपर में मैं आया था गंगा घाट पर आ, एक सैकड़ा हजार दस हजार प्लस स्टूडेंट ने टेस्ट दिया सर जी मैं अगर पटना होता तो माता रानी के चरणों में टेस्ट देता बिल्कुल बाबू मेरे हम लोग आप लोगों के लगातार मेहनत कर रहे हैं सर और आप लोग की मेहनत सर हम लोगों की मेहनत कहीं ना कहीं बहुत बढ़ चढ़ के इस भारत में एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे हिस्सा ले रही है सर अभी सर गंगा के किनारे जो हम लोग टेस्ट लेते हैं सर उसका टेस्ट का एक क्लिप सर हिंदुस्तान न्यूज पेपर में भी सर वायरल हो रहा है और हिंदुस्तान न्यूज चैनल पर भी हो रहा है और आगे सर बहुत कुछ होगा अभी सर आप देखते रहिए बोला न कि समुद्र की खामोशियों को देखकर यह मत समझना कि इसकी लहरों में रवानी नहीं है जिस दिन उठेंगे तूफान बढ़कर उठेंगे उठने के भी ठानी नहीं है चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सात नंबर पे जरा सात नंबर पे गौर फरमाइएगा कथन में कह रखा है कि क्या एक देश के सभी सुदूर हिस्सों को सड़क मार्ग से जोड़ा जाना चाहिए सुदूर हिस्सों का मतलब क्या हुआ जो एकदम देहात में है एकदम पिछड़ा हुआ हिस्सा है क्या एक देश के सभी सुदूर हिस्सों को सड़क मार्ग से जोड़ा जाना चाहिए तर्क नंबर एक में कहा पहला में कि नहीं यह ग्रामीणों को शांतिपूर्ण जीवन को परेशान करेगा गलत बात है बाबू मेरे अगर किसी गाँव को मुख्य सड़क से जोड़ दिया जाएगा तो ग्रामीणों को बहुत ज्यादा सुविधा हो जाएगी शहर जाने शहर आने में उनकी जिंदगी पहले से कुछ बेहतर हो जाएगी और यहां कहा कि शांतिपूर्ण जीवन परेशान करेगा यह बात गलत है दूसरा कहा कि हाँ इससे तुरंत किया जाना चाहिए बाबू पेपर नहीं है, है फूक लगा के सात तो देगा ये पेपर ना है कि थूक लगा के साट देगा ये सड़क बनाना है बाबू तो सड़क बनाना है ना सड़क बनाना है तो तुरंत किया जाए ये तुरंत नहीं होने वाला है ये हो गलती है आप लोग मार दिए होंगे इसे तुरंत किया जाए सही है ना ये गलत है ये थूक लगा के साट छोड़ो देना है ये खैनी है कि लटा के ठोक के खा जाना है सड़क बनेगा लेट लगेगा दोनों गलती है आंसर मार दीजिए ऑप्शन नंबर डी बुझाया यस वेरी गुड अभी सही मारे चलिए सर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नंबर आठ पे है, अब बता दो का आंसर दिया दिया हुआ है है और यहां पे आगे वाट दिया है, क्या होगा और यहाँ पे समानुपात का चिन्ह दिया है यहाँ दिया है दो सौ दस और यहाँ पे तीन सौ अस्सी दिया गया है बताइए क्या होगा आंसर चलिए हम साइड हट जाते हैं पूर्णतः पूरी तरह से साइड हो जाते हैं आठ नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या बताइएगा आप जल्दी से बताइए चलिए जल्दी जल्दी बता दीजिए क्या होगा जल्दी बोलिए कि मन के समरिया बन गई ला तू चुपके से तो। बोलिए बन गया देखिए सर मैं बताता हूं ध्यान से सुनिएगा आठ नंबर प्रश्न का आंसर आप क्या मारिएगा तो सुनिए सर आठ नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा सर तीन सौ बयालीस ये ऑप्शन नंबर ए कैसे सर गौर फरमाइएगा यहाँ हम तीन सौ बयालीस रखते हैं देखिए सर यहाँ पे दो में से दो जाएगा जीरो बचेगा चौदह में से आठ जाएगा तो छह बचेगा और दो में से एक जाएगा तो एक बचेगा यहाँ पे सर एक सौ साठ का अंतर है यहाँ पे भी सर एक सौ साठे का अंतर होना चाहिए और नहीं तो एक सौ सत्रो अस्सी का अंतर हो सकता है यहां साठ है तो एक सौ साठों का अंतर होगा ना तो सत्रों का हो सकता है ना तो अस्सी का हो सकता है दस बीस बढ़ियों का हो सकता है अब देखिए सर आठ जीरो में से जीरो जाएगा तो जीरो बचेगा आठ में से एक जाएगा सात और तीन में से दो जाएगा तो एक बचेगा तो यहाँ पे एक सौ साठ का अंतर है यहां कहां 170 का अंतर आंसर हो गया 300 क्या 342 बुझ गए क्या क्लियर हो गया हाँ सर तो 342 आपका प्रश्न का सही आंसर है अब चलिए सर जल्दी से नौ नंबर का आंसर बता दीजिए नहले पे दहला मारिए जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर नौ का आंसर क्या होने वाला है जल्दी बता दीजिए क्वेश्चन नंबर नौ का आंसर क्या मारिएगा ये आसान है सर थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना है थोड़ा सा दिमाग लगाना है आंसर आ जाएगा जल्दी से बता दीजिए नौ नंबर क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा अरे कोशिश करके देख लो नदिया सारे दरिया सारे कि दिल की लगी नहीं बुझती जल्दी जल्दी बताइए तिरसठ सतहत्तर यानी ऑप्शन नंबर बी ओ माई गॉड मार दिया चलो आपने मारा शायद ऑप्शन नंबर बी क्या मारा सर आपने ऑप्शन नंबर बी कैसे जरा गौर फरमाइएगा ऑप्शन नंबर बी मारा आपने मैं मैं बताता हूँ हुआ ये देखिए सर आठ में से दो गया यहाँ पे अंतर छ में से पांच गया यहाँ पे अंतर एक यहाँ दस में से चार गया अंतर छ सात में से छ गया अंतर एक यहाँ छ में से जीरो चार गया अंतर छः और छ में से पांच गया अंतर एक यहाँ सात में से तीन जाएगा अंतर चार और 7 में से 6 हो जाएगा अंतर एक ए, ए बाबू ए सोना धन हीरावा ई दोनों का अंतर 16 ई दोनों का अंतर 16 ई दोनों का अंतर 16 राजा हो ई दोनों का अंतर चौदह इसलिए आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी ठीक है हाँ चलिए आगे बढ़े हैं आगे चलें सर अगले प्रश्न के नौ के बाद सर चले आइए दस नंबर पर लीजिए सर इसमें भी आपको दिमाग लगाना है गलत संख्या का पता लगाना है सर ध्यान दीजिएगा दिया है क्या बारह सौ छत्तीस कौमा तेईस छियालीस कौमा चौतीस छप्पन कौमा पैतालीस छियासठ कौमा छप्पन छियासी चारों एक दो तीन चार पांचों में से कौन सा आपका संख्या गलत है यही आपको बताना है यानी गलत संख्या चुनना है चलिए सर जल्दी चुनिए हां जल्दी चुनिए सर क्या होगा क्वेश्चन नंबर दस का उत्तर गोविंदा कुमार कह रहे हैं इतना एनर्जी कहां से लाते हैं सर हाँ इतना एनर्जी कहां से लाते हो सर आप सर आप लोगों को देखता हूं ना तो सर वही एनर्जी बरकरार हो जाती है जो जगते जगते सुबह की एनर्जी होती है सर अभी आप लोगों का लाइव सेशन थोड़ा सा कमजोर पड़ा हुआ है आप लोग पहले बहुत ज्यादा लाइव आके पढ़ते थे बहुत सारे लोग लगता है कि सो जाते हैं इस टाइम में बाद में रिकॉर्ड वीडियो देखते हैं वीडियो का व्यूज वही है वीडियो का व्यूज में कोई कमी नहीं जा रहा अब सारे लोग पढ़ते हैं मुझे पता है लेकिन लाइव सेशन में थोड़ी सी कमी आई है सर आप जैसे जैसे लाइव बढ़िएगा ना वैसे वैसे मेरी एनर्जी बढ़ती जाएगी सर क्योंकि मोहब्बत करता हूं सर मैं आपसे और सर इसे चीर कर दिखा नहीं सकता कि मैं कितना मोहब्बत करता हूं बस मौका मिलेगा तो तुझे बता देंगे कि कितना प्यार करते हैं सनम चलिए सर हाँ यहां पे आंसर सर, सर आगे आपका ऑप्शन नंबर डी छप्पन सौ छियासी वाली संख्या कैसे सर गौर फरमाइएगा यहाँ पे सर छ में से छह घटा दीजिए जीरो चार में से तीन घटाइए एक तीन में से दो घटाइए एक दो में से एक घटाइए एक ग्यारह दस का अंतर यहां चलिए सर छ में से घटाइए जीरो पांच में से चार घटाइए एक चार में से तीन घटाइए एक तीन में से दो घटाइए एक यहां देखिए सर छ में से घटाइएगा जीरो छ में से पांच घटाइएगा एक पांच में से चार घटाइएगा एक चार में से तीन घटाइएगा एक यहाँ देखिए सर छ में से घटाइएगा जीरो आठ में से घटाइएगा दो छ में से पांच जाएगा एक पांच में से चार जाएगा एक यहाँ पे ग्यारह सो दस का अंतर यहाँ भी ग्यारह सौ दस यहाँ भी ग्यारह सौ दस यहाँ पे ग्यारह सौ बीस का अंतर है यही सबसे अलग है यही आपका उत्तर है बोलिए क्लियर हो गया हाँ चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर सर क्वेश्चन नंबर आपका 11 11 नंबर पे जरा ध्यान दीजिएगा सर गौर फरमाइएगा कहा दी गई श्रेणियों के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध को दर्शाने वाले बिन अरे का चयन कीजिए मानव के बारे में विवाहित लोग के बारे में डॉक्टर के बारे में इस तीनों लोग के बारे में बताने के लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन में जो दिया हुआ फिगर है उसमें से कौन होगा यही आपको बताना है सर तो जल्दी से बताइए सर सबसे बेहतरीन ऑप्शन सर कौन सा है इस प्रश्न का आंसर के लिए सर जल्दी से हाँ जल्दी जल्दी से बोलिए क्या होगा बोलो भाई बोलो 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 डी क्या बात है डी गलत है देखिए सर आंसर बी होगा कैसे गौर फरमाइएगा विवाहित लोग विवाहित लोग और डॉक्टर में संबंध देखिए विवाहित लोग में से कुछ विवाहित लोग डॉक्टर हो सकते हैं कुछ विवाहित डॉक्टर नहीं हो सकते हैं डॉक्टर लोग में से कुछ डॉक्टर लोग विवाहित हो सकते हैं कुछ नहीं हो सकते हैं और मानव जो है ये मानव जो है ये मानव जो है ये विवाहित लोग और डॉक्टर दोनों मानव के अंदर आ जाएंगे जो भी विवाहित लोग होंगे वो कौन होंगे मानवें न होंगे ऐसा होता है कि भैंस का ब्याह ओकरा से हो गया गधा का ब्याह ओकरा से हो गया फलनवा का चिलनवा से नहीं जो भी विवाहित लोग होते हैं उस सब मानव होते हैं अब विवाहित लोग में से कुछ विवाहित लोग डॉक्टर होंगे कुछ डॉक्टर लोग विवाहित होंगे और ये दोनों मानव के अंदर आएंगे तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ठीक है क्लियर है चलिए सर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ऊपर बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपका बारह नंबर बारह नंबर देखिए सर कहा निम्न प्रश्न नीचे दी गई पांच त्रंकीय संख्याओं पर आधारित है चार सौ तेईस तीन सौ सतासी पांच सौ इकसठ नौ सौ इकतालीस तीन सौ पचासी अब बारह नंबर में क्वेश्चन में गौर फरमाइएगा बारह नंबर क्वेश्चन बड़ा आसान है सर समझने का थोड़ा सा प्रयास करिएगा कहा कि निम्नलिखित किस संख्या में पहले तथा दूसरे अंकों का गुणनफल दूसरा सर्वाधिक है कहा कि निम्नलिखित में से माने पांचों में से किस संख्या में पहले तथा दूसरे सॉरी पहले तथा दूसरे पहले तथा दूसरे कहा तो पहले तथा दूसरे पहले तथा दूसरे पहले दूसरे, पहले दूसरे, पहले तथा 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 दूसरे पहले दूसरे पहले दूसरे अंकों का गुणनफल दूसरा सर्वाधिक है तो गुणनफल दूसरा सर्वाधिक है तो चार दुनिया का आठ गुणनफल होगा आठ त्री का चौबीस गुणनफल होगा छ पांच तीस गुणनफल हो जाएगा नौ का छत्तीस गुणनफल होगा अड़तरी का चौबीस गुणनफल होगा हमसे पूछा गया दूसरा सर्वाधिक तो सबसे पहला सर्वाधिक गुणनफल फल छत्तीस है और दूसरा सर्वाधिक गुणनफल फल तीस है आई किसका गुणनफल है पांच सौ इकसठ वाली संख्या का यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ओके बढ़े आगे चलिए सर अगले प्रश्न की ओर हमारा क्वेश्चन नंबर तेरह में क्या कहा कि दी गई संख्याओं में से ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें कि दो अंकों का योग उस संख्या के तीसरे अंक के योग के बराबर है कहा कि दी गई संख्याओं में से ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें कि दो अंकों का योग किसी भी दो अंक कि नहीं कहा किसी भी दो अंकों का योग उस संख्या के तीसरे अंक के बराबर है तो देखिए तो दो अंक का योग संख्या के तीसरे अंक के बराबर है कै ऐसा संख्या है तो दो अंकों का योग चार दो छ नहीं होगा तीन दो पांच नहीं होगा चार तीन यहाँ अंक का योग बराबर नहीं है यहाँ पे देखिए सात तीन दस आठ तीन ग्यारह और आठ सात पंद्रह कहीं पे बराबर नहीं है यहाँ देखिये पांच किन्हीं दो अंकों का योग तीसरी संख्या के योग के बराबर है यहाँ पे देखिए नौ चार तेरह चार नौ तेरह चार एक पांच नहीं होगा यहाँ पे देखिए तीन आ पांच कितना हो गया आठ तो दो संख्याओं का योग किन्हीं दो संख्याओं का योग तीसरी संख्या के बराबर है ऐसा संख्या कै गो है तो दो गो है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ऑप्शन नंबर सी आपका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपकी जुल्फे मेरे दिल को घायल कर दिया गुरु जी वाह रे वाह क्या बात है अरे मैं तो तेरी हर अदाओं पे मर गया ऐसे बोलो बोलो कि मैं तो तेरी हर अदाओं पे मर गया तुम जवां का हुए मेरा तो सिख मुकदर ही समर गया कहो कि मैं तो तेरी हर अदाओं पे मर गया तुम जमा क्या हुए मेरी तुम तो मुकद्दर ही सवर गया अरे पगला खेलना है तो मेरे दिल से खेलो क्योंकि खिलौनों से खेलने का अब जमाना ही बदल गया चलो सर अगले प्रश्न की ओर आते हैं क्वेश्चन नंबर चौदह यहां पे कहा कि विषम संख्या का चयन करें तो ले लीजिए बीस सेकंड मेरे तरफ से और जल्दी से बताइए विषम संख्या का चयन करिएगा तो कौन सा संख्या बताइएगा आखिर कौन सा संख्या विषम संख्या है जल्दी बताइए चलिए सर जल्दी बता दीजिए आंसर मैं मान जाऊंगा कि सर आप गजब का आंसर लगाते हैं जल्दी से बता दीजिए हाँ तूफान तिवारी है वाह लिख रहे गुरु जी हमको आपसे प्यार हो गया है आप आज आपको मुझसे प्यार हुआ भाई तूफान तिवारी गुरु जी आई लव यू अरे वाह आज आप मोहब्बत करते हैं हमसे है, मैं तो आपसे मोहब्बत जमानों से करता हूं मैंने तो सर आपसे मोहब्बत कुछ जमानों से किया है और आपने आज अपनी मोहब्बत का इजहार किया खैर कोई बात नहीं देर से हुआ मगर दुरुस्त हुआ बाबू मेरे यहाँ पे देखिए क्या है कौन सा संख्या विषम है आठ नौ को जोड़ दीजिए बीच वाला सत्रह सात पांच को जोड़ दीजिए बीच वाला बारह पांच आठ को जोड़ दीजिए बीच वाला तेरह लेकिन छ सात को जोड़िएगा तो यहाँ बाबू तेरह नहीं होगा ये आपका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा ठीक है ना वेरी गुड चलिए सर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर वाह पंद्रह नंबर का आंसर बता दीजिए जल्दी बताइए सर पंद्रह नंबर में जुगाड़ लगाइए जल्दी से बताइए पंद्रह नंबर का आंसर क्या होगा हरे हरे हारे हम तो दिल से हारे जल्दी बताइए बोलिए क्या होगा सर आपकी क्लास लेने से मेरी रीजनिंग सही हो गई आपको बहुत बहुत धन्यवाद और उन माता पिता को चरणों में नमन करता हूं जिन्होंने आप जैसे पुत्र को जन्म दिया गॉड ब्लेस यू सर बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब चलिए बढ़ते हैं सर आगे गौर फरमाइएगा यहाँ पे सर इसका हर को देखिए सर तीन बट्टा पांच हर में सर पांच है ग्यारह बट्टा पांच हर में पांच है उन्नीस बट्टा पांच हर में पांच है यहाँ देखिए सर तीन से ग्यारह हुआ आठ बड़ा ग्यारह से उन्नीस हुआ आठ बड़ा यहाँ पे देखिए सर एक पॉइंट चार है यहाँ पे चार पॉइंट छ है सर यहाँ पे वाट के जगह पे सर तीन रख दीजिए आपका क्वेश्चन बन जाएगा कैसे एक प्वाइंट चार में सर वन पॉइंट सिक्स जोड़िए तो सर वन पॉइंट एक, 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 तीन आ जाएगा यानी कि मिला जुला के आप कह सकते हैं पॉइंट में है तो पूरा का पूरा सर क्या आ गया पूरा का पूरा तीन आ गया क्या आ गया पूरा का पूरा तीन आ गया फिर से सर तीन में वन जोड़ दीजिए तो तीन आए चार पॉइंट सिक्स आ जाएगा यहां पे तो यहां पे वाट के जगह पे सर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ओके वेरी गुड चलिए सर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सोलह नंबर का आंसर जरा करके दिखा दो हम पूछ जाएंगे कि आप जुगाड़ लगाते हैं जल्दी सोलह का आंसर क्या होगा मैं रंग सरबतों का तू मीठे घाट का पानी मुझे खुद में घोल दे तो मेरी और बात बन जानी। मैं रंग सरबतों का तू मीठे घाट का पानी जल्दी बोलो बाबू जल्दी बोलो सोना क्या होगा देखो कुछ नहीं करना है यहां देखिए 24 को 816 सो लिखा कैसे चौबीस को लिखा आठ सौ सोलह कैसे लिखा तो दो का क्यूब कर दो आठ चार का स्क्वायर कर दो भैया सोलह आ जाएगा तिरानवे को बाबू हमार हमारे सताइस लिखा कैसे तीन का, का क्यूब कर दो सताइस कहिएगा आए सर पहलका में क्यूब किया लिख दिए का में स्क्वायर किया तो लिखे यहाँ पे पहलका में स्क्वायर किया और का में क्यूब किया तो किया ना जी पहले क्यूब फिर स्क्वायर अब के स्क्वायर फिर क्यूब अब की बार क्यूब से चालू करेंगे क्यूब लिया फिर स्क्वायर लिया फिर स्क्वायर लिया फिर क्यूब लिया अब की बार हम क्यूब लेते हैं तब स्क्वायर लेंगे पांच छ सात हट जा पांच छ सात इसके बदला में क्या लिखेंगे पहले क्या लिखा पहला अंक संख्या का क्यूब दूसरा का स्क्वायर दूसरा में पहला का स्क्वायर दूसरा का क्यूब तीसरा में हम क्या करेंगे पहला का क्यूब दूसरा का स्क्वायर तीसरा का क्यूब ऐसे ही करेंगे तो पांच पांच पचीस एक सौ पच्चीस का चाँचे, का छत्तीस क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा तीन सौ तैतालीस तो एक सौ पच्चीस छत्तीस तीन सौ तैतालीस एक सौ पच्चीस छत्तीस तीन सौ तैतालीस यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया बोलिए सर एकदम नया टाइप का सर प्रश्न है कि नहीं सर अगर आपके दिल में थोड़ा सा सर विश्वास है मेरे ऊपर मेरे कंटेंट के ऊपर और अगर आपका दिल सर आपको सही गवाही देता है सही जवाब देता है तो सर एक बार अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए सर ये क्वेश्चन बिल्कुल नया है कि नहीं है ये क्वेश्चन एकदम सर नया है कि नहीं है थोड़ा सा सर अगर आप देखिएगा नजर बदल के सर तो आपको क्वेश्चन नया टाइप का दिखेगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सत्रह पे सर सत्रह नंबर पर जरा गौर बताए फरमाइएगा सत्रह नंबर को सर जरा ध्यान से देखिएगा क्या होगा ये प्रश्न तो सर आपको जरूर सीखना चाहिए सत्रह नंबर क्वेश्चन में कहा कि एक व्यक्ति उत्तर में मुंह करके खड़ा है चलिए सर एक व्यक्ति का चेहरा हम उत्तर की ओर कर देते हैं ऊपर में नॉर्थ नीचे में साउथ इधर ईस्ट हो जाएगा और इधर वेस्ट हो जाएगा क्वेश्चन में बाबू हमारे क्या कहा जरा गौर फरमाइएगा क्वेश्चन में कहा एक व्यक्ति उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा है ये व्यक्ति कहाँ है उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा है कुछ समय पश्चात अपनी दाई और पैंतालीस डिग्री के कोण के हिसाब से एक सौ मोड़ लेता है बाप रे बाप इतना मामले गड़बड़ा गया चला पैतालीस डिग्री पैंतालीस डिग्री पैंतालीस डिग्री एक सौ उनतीस बार चलेगा एक सौ उनतीस बार तो चलाने में हालते खराब हो जाएगा देखिए कैसे होता है यहां से यहां चलाइएगा पैंतालीस फिर दूसरा बार पैंतालीस फिर तीसरा बार पैंतालीस चौथा बार पैंतालीस पांचवा बार पैंतालीस छठा बार पैंतालीस सातवां बार पैंतालीस आठवां बार पैंतालीस अब ऐसे ऐसे आप एक सौ उनतीस बार चलाइएगा तो सवेर ना हो जाएगा ये चलाते चलाते चल जाएगा नहीं चल जाएगा ध्यान से सुनिएगा ऐसे नहीं चलेगा कैसे करिएगा सर आप एक बार सर गौर फरमाइएगा तो यहां से यहां आने में सर तीन चार पांच छे सात आठ बार चलना पड़ता है तो सर आप चुपचाप एक सौ उनतीस में आठ का सर भाग लगा दीजिए क्यों क्योंकि जैसे सप्ताह में सात दिन होता है सॉरी सप्ताह में सात गो दिन होता है सर और सात सात दिन पे दिन रिपीट होता है तो कितना दिन में कितना विषम होगा ये ज्ञात करने के लिए हम सात का भाग लगाते हैं उसी तरह सर एक सौ में कई बार हमको फुट्टा घुमाना पड़ेगा ये जानने के लिए सर हम आठ का भाग लगा लगाएंगे क्योंकि आठ बार में पूरा का पूरा एक चक्कर आपका पूरा हो रहा है आदमी कहा है उत्तर दिशा में आदमी है उत्तर दिशा में एक सौ उन्तीस बार पैंतालीस पैंतालीस के क्रम में घुमाना है तो सर आप इसमें आठ का भाग लगा दीजिए क्योंकि पैंतालीस पैंतालीस के क्रम में घुमाते हैं तो आठ चक्कर में एक चक्कर होता है आठ बार में तो यहाँ से भाग लगाइए आठ एकम आठ चार बचा उनचास आठ सात आठ आठ चौसठ आठ आठ है चौसठ नहीं जाना है आठ का मार्क्स बारह उनचास न आठ छ के अड़तालीस अड़तालीस जो बचेगा वो कितना बच जाएगा शेष बराबर वन हो जाएगा तो बस सर आप एक बार इसको पैंतालीस डिग्री घुमा दीजिए यहाँ पे आ गया नॉर्थ और ईस्ट में लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि अंत में व्यक्ति का मुंह जिस दिशा में है उसके विपरीत दिशा ज्ञात करिए तो अंत में व्यक्ति का मुंह नॉर्थ और ईस्ट में है उसका विपरीत दिशा ज्ञात तो साउथ और वेस्ट आ जाएगा यानी आंसर हो जाएगा दक्षिण और पश्चिम ऑप्शन नंबर बी ओके बोलिए सर क्लियर है कि डाउट है हंड्रेड परसेंट क्लियर ना चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू हमारे क्वेश्चन नंबर अठारह पे जरा अठारह पे गौर फरमाइएगा अठारह नंबर क्वेश्चन में कहा कि घड़ी में दो बजे और तीन बजे के बीच जब मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच साठ डिग्री का कोण बनता है तब समय क्या होगा देख भैया इस प्रकार का कोई भी प्रश्न बनाना हो तो आप चुपचाप बिना सोचे विचारे एक घड़ी बना लीजिए घड़ी में समय लिखिए बारह छ तीन नौ एक दो चार पांच सात आठ दस और ग्यारह और उसमें बाबू हमारा जो पहला समय हो रहा है उसको बजा दीजिए तो उसमें पहल का समय क्या है दो बज रहा है तो आप उसमें सर सिंपली दो बजा दीजिए और साठ डिग्री का कोण बनाना है ना सर तो गौर फरमाइएगा घड़ी की दोनों सुइयों के बीच साठ डिग्री का कोण तभी बन पाता है जब घड़ी की दोनों सुइयों के बीच दस मिनट की दूरी होती है इसके पीछे सर लॉजिक क्या है इसके पीछे लॉजिक यही है कि मिनट की सुई प्रत्येक मिनट डिग्री का कोण बनाती है जब मिनट की सुई प्रत्येक मिनट डिग्री का कोण बनाती है तो सात डिग्री का कोण बनाने के लिए बाबू आपको दस मिनट की दूरी चाहिए ठीक ना समझ गए ना दस मिनट की दूरी चाहिए अभी देखिए सर घंटा की सुई दो पे है आ, मिनट की सुई 12 पे है 10 मिनट की दूरी अभी भी है लेकिन अभी है हम किए नहीं है आगे सर आप कर सकते हैं अगर घंटा की सुई 2 पे है मिनट की सुई को सर 4 पे कर दीजिएगा तो घड़ी के दोनों सुइयों के बीच 10 मिनट की दूरी हो जाएगी और सात डिग्री का कोण बन जाएगा लेकिन सर होगा कैसे ये 12 बटा ग्यारह वाला फॉर्मूला लगाने से होगा हम आपको बताए थे कि हर प्रश्न में बारह बटा ग्यारह का फॉर्मूला लगाइए अब गौर फरमाइएगा आपको यही सोच ना होगा क्या सोचना है क्या समझना है कि मिनट की सुई थी 12 पे अहम हमको लाना पड़ा 4 पे तो 4 पे यहां से यहां लाए तो कितना चलाना पड़ा तो 20 मिनट तो 20 मिनट से गुना कर दीजिए 12 दुनिया का 24 240 बट्टा में 11 अब 240 में बाबू हमार 11 का भाग लगा दो दो 2 में 22 बचेगा दो जीरो 11 1 11 नौ कैसे लिखेंगे 21 सहित 9 बटा 11 बज बज के, 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 यही आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, बीस सहित नौ घटा ग्यारह ठीक है क्लियर है चलिए आगे चलिए अठारह के बाद सर चले आइए उन्नीस नंबर पे कहा कि एक घड़ी प्रत्येक एक घंटे में पांच मिनट धीमी हो जाती है सर एक घंटा में घड़ी जो है एक घंटा में फाइव मिनट मिनट स्लो हो जाती है। अब देखिएगा, यदि घड़ी को सोमवार सुबह आठ बजे चालू किया गया हो तो 6 घंटे के बाद घड़ी क्या समय दिखाएगी बाबू एक घंटा में पांच मिनट स्लो होती है तो पहला बात यह हुआ कि घंटा में छ गुना पांच बराबर तीस मिनट आपका स्लो हो जाएगी तीस मिनट स्लो हो जाएगी तो तीस मिनट स्लो हो जाएगी सुबह बजे घड़ी चालू किया गया सोमवार सुबह आठ बजे घड़ी चालू किया गया तो छह घंटा के बाद समय क्या होगा तो घंटा के बाद होगा आठ के बाद नौ दस ग्यारह बारह एक दो बजेगा लेकिन दू नहीं दिखाएगी इसमें से आधा घंटा घट जाएगा आधा घंटा घट जाएगा तो एक बज के तीस मिनट का समय दिखा एगी क्योंकि घड़ी स्लो होती जा रही है आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी वाह क्या बात है सब लोग कहा रहा है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बीस नंबर आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन कहा आयतों और त्रिभुजों की संख्या गिने देख भैया ऐसे प्रश्न में आयत कैसे गिनते हैं आयत गिनने का हम एक तरीका बताए था आपको कि आयत में बस बॉक्स का नंबरिंग कर देना है दोनों को ऐड कर देना है इधर दोनों को ऐड कर देना है फिर से दोनों को गुना कर देना है नौ आयत हो जाएगा तो सर सेम उसी प्रकार का फिगर यहाँ पे आपको दे रखा है सर यहाँ पे जो आपका फिगर दिख रहा है सर यहाँ पे देखिएगा इस फिगर को तो यहां पे टोटल सर दो तीन पे दो आ एक तीन तो तीन गुना तीन बराबर नौ। तो सर, आयत का संख्या जो है और इस ऑप्शन में है ये दोनों कट जाएगा अब ट्रेंगल कितना होगा ट्रेंगल भी बताए थे सर, आपको याद होगा ये बॉक्स में लाइन खींच के ट्रेंगल पूछेगा तो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ आठ को सर डबल

दो और कितना हो प्लस बारह तो तीन, तीन, छ बार। तो बार। तो कितना हो जाएगा आठ एक एक दू अस तो सर आपका आंसर हो जाएगा नौ और अट्ठाइस तो सर क्वेश्चन का आंसर आयतों की संख्या नौ और त्रिभुजों की संख्या अठाइस बाबू मेरे आज का सेशन का सारा क्वेश्चन हमने समाप्त कर दिया आप बेहतर से समझ ऐसे ही आप जुड़े है अच्छा कंटेंट लाता हूं तो और भी भाई बंधुओं को सर जोड़िए और यह मैं चाहूंगा सर कि आप अधिक से अधिक संख्या में सर, जुड़े और सर पढ़ाई करें प्रतिदिन रात में सर नौ बजे आज यहीं तक सबको राम राम बाय बाय Good night.